अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इस्लामिया टू से का लेक्चर नंबर 6, मोरालिटी ऑफ प्रॉफिट। मोरालिटी की मीनिंग क्या, यहाँ मैंने लिखा हुआ डेफिनेशन में, डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी, द मोरालिटी इज द सेम मीनिंग ऑफ गुड क्वालिटीज और पोलाइटनेस। ठीक है, यानी कि अच्छे अखलाक और पोलाइटनेस यानी रहमदिली। तो इसकी बेसिकली जो मीनिंग है वो है अखलाकियात के। ठीक है, तो वो आगे कह रहे हैं यानी अखलाकियात ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एज सेइंग बाय इमाम गजाली द मीनिंग ऑफ एथिक्स मोरालिटी। ठीक है, वो भी यही कह रहे हैं कि मीनिंग है इस उन्होंने स्टेटमेंट दिए, एथिक्स इज द नेम ऑफ दैट स्ट्रेस कंडीशन ऑफ ह्यूमन नेचर फॉर विच अ मैन वेरी इजीली एंड कन्विंसिंगली डिड एनी एक्शन। तो वो ये कह रहे हैं कि ये एथिक्स ऐसा चीज़ है जिससे इंसान अपने सारे काम कर सकता है। ठीक है, तो ये उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है। अ प्लेस ऑफ मोरालिटी इन इस्लाम के अमंग द थिंग्स ऑन विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ लिव्ड। तो ये कह रहे हैं कि इंसान की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो गुड मैनर एंड नोबल क्वालिटीज ऑफ माइंड कैरेक्टर। ठीक है, वो अच्छी चीज़ों को अमल करे, गुड मैनर्स नोबल क्वालिटीज़ को अपनाए और बुरी चीज़ें छोड़ दें, अवॉइडिंग इविल एंड अनसीन बिहेवियर एंड कीपिंग अवे फ्रॉम बिकॉज हैबिट्स एंड प्रैक्टिस। ठीक है, पूरे काम से दूर और अच्छे काम करता रहे, तो ये बताएगा प्लेस ऑफ मोरालिटी इन इस्लाम में। ठीक है, तो ये अच्छी आदत होना ज़रूरी है, यानी कि इंसान में ये चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, तो आगे वो बता रहे हैं, वही कह रहे हैं आगे, द पर्सन विद गुड मोरल्स विद नॉट ओनली लेड हैप्पी पीसफुल। कह रहे हैं पर्सन जो है उसका मोरल अच्छा होगा, यानी कि बिहेवियर से अखलाक अच्छे होंगे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजारेगा बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छाई का जरिया बनेगा। बट इट्स एक्सेंस विल बी सोर्स ऑफ कम्फर्ट टू अदर एज वेल। ऑन द अदर हैंड इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड मोरल डिस्पोजिशन आर बैड। अगर वो कह रहे हैं उसके यही अखलाक वगैरह का बैड रहेंगे, हिज लाइफ विल बी डिवाइड फॉर रियल जॉय, उसकी लाइफ जो है रियल जॉय से दूर हो जाएगी। ठीक है, एंड ही विल ऑल्सो मेक दियर लाइफ ऑफ द रिलेटिव एंड अदर अराउंड हिम मिसरेबल। ठीक है, इसके अलावा जो अपनी लाइफ नहीं, वो औरों के अपने आस पास के अपने रिश्तेदारों के पड़ोसों की उनकी भी लाइफ बर्बाद कर देगा। ठीक है, वो ये बता रहे हैं अखलाकियत के फॉर्म। ठीक है, दिस आर द रेडी वेडली एफर्ट ऑफ गुड और इविल बिहेवियर एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हम ऐसे बिहेवियर अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं। ठीक है, तो दुनिया में हम ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं फार मोर सीरियस रिजल्ट इन द लाइफ ऑफ हेयर आफ्टर। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हेयर आफ्टर यानी कयामत के दिन ये चीज़ें काफ़ी मायने रखेंगी। द सोल द सीक्वल ऑफ नोबल मोरल इन हेयर आफ्टर द गुड वैल्यू ऑफ द गॉड। जो अच्छा काम करेंगे उसके लिए पैराडाइज है। ठीक है, और जो बुरे काम करेंगे, बैड मैनर एंड इवेंट्स कंडक्ट इज द वर्ड ऑफ अल्लाह एंड फायर ऑफ हेयर। तो उनके लिए फिर जहन्नम की आग है। तो इस तरीके से बताया गया है अखलाकियात के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी आयत दिए गए, उसमें कहा गया द बेस्ट ऑफ यू आर दोस हु वर्सेस द बेस्ट ऑफ मैनर। तुम सब वो अच्छे जो अखलाक में अच्छे यानी मैनर्स में अच्छे हैं। बुखारी और मुस्लिम लिखा हुआ है, उनके लिए है। आगे लिखा है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिलेटेड टू अस दैट मैसेज ऑफ अल्लाह की तरफ से, बिलीवर हु पर्सेस बेटर मैनर्स आर द मोस्ट परफेक्ट इन फेथ। ठीक है, जो मैनर में अच्छे अखलाक में अच्छे, वो डेफिनेटली फिर फेथ में भी अच्छा है, उनका ईमान भी अच्छा, उसका अखलाक अच्छा, उसका भी ईमान भी अच्छा है। ठीक है, तो आगे कुछ कमेंट्स किए हुए कम्युनिटी की, वो देख लेते हैं। देर इज अ डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन बिलीफ एंड मैनर। तो ये कह रहे हैं कि एक रिलेशनशिप है बिलीफ एंड मैनर पर, जिससे जो ही वो एज अ परफेक्ट बिलीफ डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं। कह रहे हैं कि इसका बिलीफ अच्छा हुआ है, डेफिनेटली इसका मैनर भी अच्छा होगा। ऑन द सेम बेसिस ही वो प्रोसेस ऑफ वेरी गुड मैनर इज अ परफेक्ट बिलीवर। अगर वो अच्छा मानने वाला होगा, डेफिनेटली वो अच्छा बिलीवर भी होगा। ही मस्ट बी अंडरस्टूड द विदाउट बिलीफ अ पर्सन मैनर टीड परफॉर्म ऑन मीनिंगलेस। ठीक है, अगर उसके अंदर अखलाक नहीं है, उसका बिलीफ भी नहीं है, जैसे किसी बना गया यूजलेस है, मीनिंगलेस है। ठीक है, तो वो आगे वो कह रहे हैं द परफेक्ट नेचर। तो वो ये कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो परफेक्ट है। इसके आगे हमें स्पेशल सेक्शन में कह रहे थे हज़रत अनस अल्लाह की फॉर्म है, ही रिलेटेड डेट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। वो ये कह रहे हैं हज़रत अनस के अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ नॉलेज एंड विजडम, क्योंकि बस सर अच्छी नॉलेज थी, विजडम थी। ठीक है, तो ये बता रहे हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ मोर हैंडसम ग्रेटियस एंड ग्रेटियस देन एनी वन एज बिकॉज ही वॉज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल मैन। ठीक है, वो काफ़ी अच्छा है, बस ये बस बताया गया। लॉन्ग सफरिंग एंड फॉरगिवनेस, आप ये बताया गया लॉन्ग सफरिंग एंड फॉरगिवनेस माफ़ करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या होता है। पेशेंट लॉन्ग सफरिंग एंड फॉरगिवनेस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट। वो ये कह रहे हैं माफ़ करना, सबर करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छी क्वालिटीज थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द होली प्रॉफिट नेवर रिवेंज हिमसेल्फ फॉर एनी अदर पर्सनल फैशन। वो कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला नहीं लिया, रिवेंज नहीं लिया, चाहे वो उनका पर्सनल मैटर हो चाहे वो फाइनेंशियल उनका मैटर हो। तो ये बताया गया। ठीक है, अब कीपिंग स्पर्ट्स, वे कह रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ द बैटल ऑफ द बदर द नंबर ऑफ मुस्लिम और वैलिस कुमार। बदर के मौके पे मुस्लिम की तादाद काफ़ी कम थी, तो इसमें ये कंक्लूजन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने वर्ड्स कायम रखे कि हम मुस्लिम में अपने वर्ड्स कायम रखना चाहिए हमें। हमें सिर्फ यू नीड द हेल्प ऑफ अल्लाह, हमें सिर्फ मदद चाहिए सिर्फ अल्लाह की चाहिए, और फिर वो इस जंग में कामयाबी हुए थे कम होने के बावजूद। ठीक है, अगली एग्जाम्पल दी गई है, वो काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है, और ये आखिरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल अहमद
मैं अल्लाह के अपॉन में कह रहा है कि हैज रेटेड द फॉरेस्ट प्रॉफिट हुड आई बॉट समथिंग फ्रॉम द होल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कह रहे हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया कुछ लेने के लिए, हैज वाई मनी फेल शॉर्ट, कह रहे हैं कुछ पैसे कम पड़ गए थे, तो आई रिक्वेस्ट हिम टू वेट द स्पॉट। और उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप वेट करें, मैं बस आया कुछ देर में। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो आएंगे वाइल, यानी बहुत जल्द आएंगे। तो बट मैंने स्लिप आउट उस समय, अब वो गए तो दिमाग से निकल गया कि मैंने वादा किया था कि वो वापस आने के लिए पैसे लेके, वहीं वापस आके पैसे देंगे। तो समहाउ एंड आफ्टर थ्री डेज, अब तीन डेज के बाद मैंने टू द स्पॉट, तो वो कह रहे हैं तीन दिन के बाद जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी अहमद वो आए और उन्होंने देखा कि आई फाउंड देम होल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टिल वेटिंग हियर। तो वो कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन तक वहीं खड़े रहे। तो ही ओनली से यू पुट मी टू ग्रेट ट्रबल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू हियर फॉर थ्री डेज। उन्होंने कहा कि तुम मतलब मुश्किल आई बीन वेटिंग फॉर, तो तीन डेज से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो इन दिस इंस्टेंट वी फाइंड ऑल एक्सीलेंट रिजल्ट ऑफ द मॉडस्टी ऑफ द होल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एग्जाम्पल मिलती है हमें मॉडस्टी यानी अखलाकियत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, एंड इज फेयरफुलनेस एंड फुलिंगनेस ऑफ प्रॉमिस, कि उन्होंने अपने प्रॉमिस पर वो कायम है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, लेक्चर पसंद आया इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर किए। मिलते हैं लेक्चर मसाइल में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।